नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। अमरोहा शहर के रहने वाले शहनवाज ने पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरोहा विधायक महबूब अली के परिवार के लोगों के मतदाता सूची में दो जगह नाम होने की शिकायत जिलाधिकारी से की थी, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अब इस मामले में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने पूर्व MLC परवेज और उनके भाई के असला का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। उनका कहना है कि उनको नोटिस जारी किया गया है, जवाब के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस जमा करना पड़ता, सर जमा करा लिया गया है। और आप जानते हैं कि शाहनवाज ने शिकायत की थी, जिसमें इनका नाम, जो पूर्व MLC साहब थे और उनके भाई हैं परवेज और शाहनवाज का नाम उसमें कट गया था। तो ये इन्होंने शिकायत किया कि इनके घर बुला करके इनके साथ अभद्रता की गई थी और प्रताड़ित किया गया था, जिसके संबंध में इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, FIR दर्ज कराई शिकायतकर्ता ने। खबर लखनऊ से है, जहां बाबा साहब भीमराव केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीते मंगलवार को हुई छात्रा से छेड़छाड़ हुई थी। इसके बाद घटना के बाद छात्रा के बैचमेट्स ने पूर्व जोर विरोध किया था। इसका विरोध कर कुलपति प्रोफेसर संजय सिंह के आवास का छात्रों ने घेराव किया था, जिसको लेकर प्रोक्टोरियल बोर्ड की मीटिंग के बाद आरोपी छात्र को प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है। जाँच पूरी होने तक आरोपी छात्र परिसर में पूरी तरह से एंट्री बंद हो गई है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को बाबा राव भीम अम्बेडकर विश्वविद्यालय में एक छात्रा से छेड़छाड़ हुई थी, जिसको लेकर छात्रा और उसके बैचमेट्स ने प्रोफेसर का घेराव किया था, जिसके बाद आरोपी छात्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। खबर बुलंदशहर से, जहां सर्राफ की दुकान में शटर काट कर चोर घुस गए और 60 और 70 हजार के आभूषण चोरी कर ले गए। ये घटना CCTV में कैद हो गई। पुलिस बाजार में लगे CCTV कैमरों को खंगालने में जुटी हुई है। औरैया शहर कोतवाली में DMSP के निर्देश पर आबकारी विभाग व पुलिस टीम द्वारा शहर के पशिया बस्ती में संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया। आबकारी विभाग और पुलिस ने घेराबंदी कर 4 अभियुक्तों को 80 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी अधिकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया। क्या घटना हो गई? रुपये चले गए, 2,20,000। कैसे? गाड़ी के ऊपर पल्ले। क्या गाड़ी सामान लेने आए थे बाजार? सामान लेना है दुकान पे। अच्छा, काहे की दुकान है? किराने की। कहाँ पे? मंगलपुर। अच्छा, तो 2,20,000 थे बैग में। हाँ, तो बैग का वही रख दिया थे? ऊपर रख दिया गाड़ी के। पिकअप क्या हुआ? खबर औरैया से है, जहां पर किराने की दुकान का सामान खरीदने आए व्यापारी के 2,20,000 रुपए का झोला गायब हो गया। व्यापारी का सामान लोड करते सट्टेबाज रुपयों ने भरा झोला गायब कर दिया। ये घटना CCTV में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये मामला औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के शहीद पार्क का है। क्या घटना हो गई? रुपये चले गए, 2,20,000। कैसे? गाड़ी के ऊपर पल्ले। क्या गाड़ी सामान लेने आए थे बाजार? हाँ, सामान लेना है दुकान पे। अच्छा, काहे की दुकान है? किराने की। कहाँ पे? मंगलपुर। अच्छा, तो 2,20,000 थे बैग में। हाँ, तो बैग का वही रख दिया थे? ऊपर रख दिया गाड़ी के। पिकअप क्या हुआ? खबर औरैया से है, जहां SP आवास के पास बनी काशीराम कॉलोनी में ट्रांसफार्मर से लाइट जोड़ते समय करंट की चपेट में एक युवक आ गया। लोगों ने युवक को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा व जाँच पड़ताल में जुट गई है। औरैया जिले की पुरहा नदी की पुलिया से टकराने के बाद इको कार खाई में गिर गई। कार सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधुना में भर्ती कराया गया, जिसमें 2 बच्चे, 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं, जिसमें 5 की हालत गंभीर देखते हुए सैफई मेडिकल रेफर कर दिया गया।
कहाँ से आ रहे थे? ये दिल्ली से आ रहे थे। कितने लोग थे गाड़ी में? ये देखे नाम है 10-11 जने थे। अच्छा, बच्चा लगा। तो कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? ये गाड़ी झोल मार गई मोड़ पे। कितने लोग घायल है इस समय? इसमें 5-6 बंदे घायल है, ज्यादा सीरियस है। किस जगह पे हुई थी? है? किस जगह हुई घटना? ये धनवाली सर का नाम, ये जो मोड़ है, तो गाड़ी स्पीड पे थी, ड्राइवर चला रहा था, तो वो मोड़ से ही कट लग गया, पुलिया डिवाइडर में लगा जाके इस तरीके से वो गाड़ी नीचे पुल के नीचे चली गई। कितने लोग घायल हैं? बच्चे हैं और बहू लड़का है, सालू थे बच्चे के, शादी थी उनको, बच्चे थे आए हैं जो कि एक्सीडेंटल आए हैं, जिनमें दो महिलाएं हैं, दो बच्चियां हैं और 3 मेल हैं, 3 आदमी हैं, जिनमें एक महिला को ज़्यादा चोट आई है जो हेड इंजरी है और 2 मेल को फ्रैक्चर हुआ है पैर में। कहाँ के लिए रेफर किया जा रहा है? इनको रिम्स सेफाई के लिए रेफर किया जा रहा है। किस तरीके से लाए गए थे? ये एम्बुलेंस से लाए गए थे 108 से। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।